नमो अरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरियाणम नमो अज्जयाणम नमो लोये सव्यसाहुरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। वत्सल मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। दीपावली के बाद चतुर्मास निष्ठापना के उपरांत आज अपन पुनः मुख माटी के उस प्रसंग को यहां समझने का प्रयास करते हैं। प्रसंग चल रहा है कि माटी से निर्मित वह घड़ा बनकर के तैयार हो गया और घड़ा की उपयोगिता अब किस रूप में होने वाली है। देखिए संयोग, देखिए कि कहां किस रूप में क्या बनने वाला है उस घड़े का। तो उसकी जो भावना थी, यो कुंभ ने भावना भाई मन में कि मेरा ये जीवन धन्य रूप है। कुंभ की भावना थी कि मैंने इतना संघर्ष सहन किया है, इतनी परीक्षाएं दी है और साथ साथ अग्नि परीक्षा से भी मैं गुजरा हूं, पर इतनी परीक्षा देने के बाद अब मेरा जीवन सार्थक कैसे बने। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे ये भाव कि कुंभ की भावना, कुंभ ने भावना भाई भावना भवो नाशनी। और इतना निश्चित है अगर हमारी भावना अच्छी हो, अगर हमने अपनी अच्छी भावनाओं को प्रशस्त बनाया है तो वो भावना ही हमारी भव का नाश करने वाली होती है, भव को मिटाने वाली होती है। ऐसी भावना भवनाशिनी की भावना उसके मन में आई और यह संतों की सुक्ति है और उसके जीवन में चरितार्थ होनी है, होनी थी सो हुई। क्या हुआ, कैसे हुई, कैसा क्या घटित हुआ जो आज उस भावना कुंभ की भावनाएं पूर्ण होने वाली हैं। देखिए अगला प्रसंग है आज पेज नंबर 302 निकालेंगे। 302 पर आज का मुखमाटी का प्रसंग अपना चालू होता है। लो इधर नगर के महासेठ ने सपना देखा। नगर के महासेठ ने क्या देखा, सपना देखा। देखिए पुण्यशाली है वो सेठ, उसने सपना देखा है प्रातः काल की वेला में कि स्वयं ने अपने ही प्रांगण में यानी अपने घर के आंगन में स्वयं ने अपने ही प्रांगण में या आपने कहो द्वार के सामने भी कह सकते हैं। प्रांगण का अर्थ आंगन भी होता है और अपना द्वार भी होता है। भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया, जो भिक्षा को निकले हुए ऐसे सरिया को निकले हुए साधु हैं। भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया, हाथों में माटी का मंगल कुंभ ले। हाथी में आपके हाथ में अच्छी माटी का मंगल कुंभ है, कलश है। और कलश से उसने उन भिक्षार्थियों का स्वागत किया है, हाथों में ऐसा उसने स्वप्न देखा।
और स्वप्न देखते ही उसके मन में निद्रा से उठा। उषा ने अपने आप को धन्य माना कि आज तो बड़ा अच्छा स्वप्न आया है, कितना कि अच्छी रात्रि में आज के स्वप्न में कि अतिथि संविभाग आज मेरे घर पर कोई महामुनि राजों का आगमन हो रहा है। आज मैंने सपने आज सपने में मैंने मुनिराज को अपने घर पर प्रदान किया है, आमंत्रण किया है, ऐसा उस महासेठ ने वो स्वप्न देखा। और स्वप्न देखते ही वो सुबह उठा। उषा काल में अपने आप को सबसे पहले उसने धन्य, आज तो बड़ा दिन अच्छा रहा, आज रात्रि बहुत अच्छी हुई, क्योंकि आज सपने में किसके दर्शन हो गए, मुनिराज के दर्शन हो गए। जिस दिन आपको स्वप्न में ऐसे मुनिराजों के जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाए, समझ लेना आज का दिन हमारा धन्य होने वाला है। बिल्कुल बिरला होता है वो श्रावक, बिरला होता है वो श्रेष्ठी, बिजरा वो बिरला होता है वो पुण्यशाली, जो स्वप्न में भी अपने भगवंतों को, अपने गुरु भगवंतों को देखता हो, उनका स्मरण करते। इसलिए कहा जाता है सोने से पहले अपने भगवंतों का स्मरण करो, सोने से पहले अपने गुरु भगवंतों का भी स्मरण करो। हो सकता है आज मेरे स्वप्न में आकर के वे मुझे ना जाने कौन सा सूत्र दे करके चले जाए। मेरे जीवन को यथार्थ करने वाले ऐसे भगवंत गुरु आकर के कभी कभार जो बातें हमें जीवन सारे जागते समय नहीं मिलती, वो कभी कभार स्वप्न में भी पूरी हो जाती हैं। आचार्य जी ने एक बार सुनाया था बहुत अच्छा, कि जब आचार्य जी मुख पाटी लिख रहे थे तो दिन भर वही रचना लगी रहती थी, चिंतन चलता रहता था, लेकिन कब कभी कभी कभार कभी कुछ चीजें ऐसी होती थी, कुछ प्रसंग है या कुछ अनुप्रास बनाना हो, कुछ शब्द ढूंढना होता तो अटक जाते हैं, तो बस ऐसे ही वो चलता रहता था, दिन भर रहता चलता रहता था। कई बार तो ये हुआ, आचार्य जी कह रहे थे कि स्वप्न में मुखबाटी लिख रहा हूं, स्वप्न में, और कविता बन रही है स्वप्न में, और सुबह उठते जो सपने में चिंतन किया, जो लिख रहा था सुबह तक जो कुछ, तो उनसे पूछा आपको याद रहा मुखबाटी का, अरे कुछ ना कुछ तो याद रह ही जाता है, ऐसा तो नहीं इतनी झलकियां तो रहती हैं। वो प्रसंग वहां कई बार जो अपन कल्पना करते हैं, चित्रण करते हैं, वो प्रसंग को लाना चाहते हैं, जो कभी मैंने प्रसंग नहीं सोचा था वो प्रसंग स्वप्न में मिल गए। देख रहे हो आप तरह तरह के पहलुओं को आदि छेड़छाड़ करके, आचार्य जी अभी देखना कि आपको ये प्रसंग और कैसे कैसे प्रसंगों को छेड़ते हुए ये हो जाते हैं, तो कभी यथार्थता भी आ जाती। हो सकता है स्वप्न में भी आचार्य जी ने ऐसा देखा, महासेठ का उदाहरण दे दिया हो, स्वप्न में ऐसा देखा हो, ऐसा ही होता है। तो वही हुआ कि स्वप्न का यहाँ चिंतन आ गया, ने स्वप्न में भी कहीं ना कहीं ऐसा चित्रण हुआ था, उसी का परिणाम है कि वो प्रतिफल दिखाई दिया। और वही हुआ कि वह सेठ अपने आप को धन्य समझता है, धन्य आज तो मुझे रात्रि में, आज मेरे घर के सामने और मेरे घर पे मेरे प्रांगण में मुनि राजों का आगमन हो गया है, मैं उनका क्या कर रहा हूं, एक अच्छे मंगल कलश के माध्यम से उनका प्रगाहन कर रहा हूं, आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। और धन्यवाद दिया स्वप्न को, उसने अच्छे स्वप्न को भी क्या दिया, धन्यवाद दिया। स्वप्न की बात परिवार को बताई, अपने परिवार जनों को उसने बताया, बता दी कुंभकार के पास कुंभ लाने के लिए लाने प्रेषित किया एक सेवक, जाओ नए अच्छे कुंभ लेकर के आओ, क्योंकि आज मुझे स्वप्न बिना है दिखा है तो अब स्वप्न को साकार भी करना है। हो सकता है नगर में मुनिराज होंगे,
और आज मुझे स्वप्न में मुनिराज का प्रगान करने का सौभाग्य मिला है। तो नगर में मुनिराज है तो आज अपना स्वप्न को अपन क्या करें, साकार करें। ऐसा उन्होंने धन्य तो कुंभकार के पास कुंभ लाने प्रेषित किया एक सेवक। स्वामी की बात सुना दी सेवक ने और सुन हर्षित हो शिल्पी ने कहा। हर्षित होकर के जब वहां गया, सेवक जाकर के पहुंच रहा है किसके पास, शिल्पी के पास। हर्षित हो शिल्पी ने कहा, गला लेने पहुंच गया कुंभकार के घर पर और कहता है, जैसे ही उसने कहा कि आज हमारे सेठ ने स्वप्न देखा है और अच्छे नवीन कुंभ के साथ मुनिराज को प्रदान करने का उन्होंने स्वप्न देखा है, इसलिए मैं उनके स्वप्न को कहे हुए अनुसार उन्होंने कहा कि जाओ नए कुंभ लेकर के आओ, शिल्पी को ये सारी बात बताई। शिल्पी का अर्थ कुंभकार को। तो कुंभकार ने जैसी ये बात सुन हर्षित हो शिल्पी ने कहा, क्या कहा, दम साधक हुआ हमारा। देखो दम याने हमने जो जितनी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, आज मैं साधक हुआ। उस साधना करने वाले ऐसे दम साधक का अर्थ दो, एक संयम का साधक जो इंद्रियों को दमन करे उसका नाम दम साधक। इनको दमन करने वाला वह दम साधक है। वह दम साधक साधक हुआ हमारा, श्रम सार्थक हुआ हमारा। मैंने जो मेहनत की है वो मेहनत सार्थक हो गई। इतना सुनते ही कि देखो सेठ ने नवीन कुंभ से प्रगान करने का क्या स्वप्न देखा है और मैंने कितनी मेहनत करके कुंभ को बनाया है, इसलिए मेरा श्रम कैसा हो गया, सार्थक हुआ और हम भी सार्थक हुई, हमारी मेहनत भी सार्थक हुई और मैं भी क्या हो गया, सार्थक हो गए। कुंभकार की प्रसन्नता पर सेवक और प्रसन्न हुआ। वह जब कुंभकार इतना प्रसन्न था तो सेवक और उससे प्रसन्न हुआ। एक हाथ में कुंभ लेकर एक हाथ में लिए कंकर से, हल्का सा कोई छोटा सा कंकर सा, कुंभ को बजा बजा कर देख रहा है। कुंभ को बजा बजा कर जब देखने लगा हुआ कौन वो सेवक, बजा बजा कर देखने लगा हुआ, कुंभ ने कहा विस्मय के स्वर में, आश्चर्य वाले स्वर में कि भाई तुम बजा बजा के मुझे क्यों देख रहे हैं। आश्चर्य के स्वर में, विस्मय के स्वर में उसने कहा, कुंभ ने कहा विस्मय के स्वर में, क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा तरफ शेष है, अभी इतनी परीक्षा देके आया हूं मैं, अभी तुम बजा बजा करके देख रहे हो क्या, अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है, अभी करो करो परीक्षा भैया, और परख लो, इतनी परीक्षा तो दे दी, और करो करो परीक्षा। पर परखो परख रहे हो अपने आप को, तो परखो जरा। देखने वाला आज के समय में यही होता है, हर आदमी दूसरों की परीक्षा करना चाहता है और स्वयं की परीक्षा की जब बात आती है तो कहता है क्या हम यहां से बीमार है का। दूसरों को बेईमान समझे वो बात अलग है और कोई तुम्हारी परीक्षा ले तो कहता हम बेईमान है का। नहीं, दूसरों की परीक्षा लेना बहुत आसान है लेकिन स्वयं परीक्षा देना सही काम है। अपनी परीक्षा होते समय जब कोई व्यक्ति घबराता नहीं है, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें जितनी लेना है सो ले लो, क्योंकि जिसके अंदर खोट होती है वही व्यक्ति डरता है, जो चोखा है
तो कितनी भी परीक्षा हो जाए, कितनी भी कसौटी पे कस दिया जाए, उसका कोई बाल बाका होने वाला नहीं है। खतरा किसको होता है? जहां मिलावट हो वहीं पर खतरा ज्यादा होती है, जहां पे असत्यता हो वहीं पर खतरा ज्यादा होता है, जहां सत्यता होती है वहां पर किसी को कोई डर नहीं होता। वही है, कुंभ भी कराए, करो करो परीक्षा। हाँ, परखो परख रहे हो अपने आप को, तो परखो जरा, परीक्षा लो अपनी। अब अपनी परीक्षा बजा बजा कर देख लो स्वयं को, कौन सा स्वर उभरता है वहां। अभी हमारे स्वर तो देख रहे हो, तनक अपने भी तो बजा लो, कौन सा स्वर उभर रहा है, कैसा उभर रहा है, ऐसा उभरता है वहां। सुनो उसे अपने कानों से अच्छे से, काक का पलाप है, पलाप है क्या गधे का पंचम आलाप। तुम्हारी आवाज कैसी है? काक का पलाप, कौआ कैसा बोलता है ना? देखिए सबकी एक आवाज में, एक अपने यहां बोले कि आदमी बोलता है, कुत्ता क्या करता है, गधा घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है, गधा क्या करता है, रेंगता है ना, हाथी क्या करता है, चिघारता है, सिंह क्या करता है, दहाड़ता है, और चिड़िया क्या करती है, चाहती है ना, कौआ काव काव करते, कोयल कुहुकती है ना। ये देखिए सबके अलग अलग उनके नाम संज्ञा, जैसे जो जैसा बोलता है उनकी नाम संज्ञा भी कैसी है, अलग अलग है ना। अब आदमी कोयल भी बन सकता है, कौआ भी बन सकता है, गधा भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, तो सिंगी भी बन सकता है, क्यों, सब आवाज निकालने में माहिर है। पंचम आलाप चिल्ला रहे, और कोई की अच्छी सुरीली आवाज है, देखो कितनी अच्छी कोयल जैसी आवाज है, मधुर आवाज है। ये संज्ञाएं अलग अलग हो जाती, वैसे वैसे उसके परिणाम हो जाते। यहाँ पर ये कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं तो दूसरों की परख तो कर रहा है, सुनो कौन सा स्वर भरता है, कहाँ पर, सुनो कहीं अपने कानों से काक का पिलाप, यानी कौआ का काव काव करना है कि क्या गधे का पंचम आलाप। आलाप होता है देखो, जैसे पांचवा एक स्वर होते हैं ना, उसमें स्वर के हिसाब से होता है, तो एक पांचवा पंचम जो स्वर होता है उसमें बहुत तेजता, यानी कोई स्वर बद्धता नहीं होती, उसको रेखना जैसे ही चालू होता है तो आदमी सुन करके भी भाग जाता है, ऐसा पंचम आलाप है। तो यही है आवाजों की विशेषता है, और उन विशेषताओं में परीक्षक बनने से पूर्व, देखिए परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। आप दूसरों को कहो कि एक परीक्षा लेने आया है, उससे बोलिए भैया जाता बताओ तुम पढ़े कहाँ तक हो, बोले कि हम बिल्कुल नहीं पढ़े, तो कौन की परीक्षा लेने आ गए, बोले कि तुम्हारी पहले पढ़ो सीखो पर परीक्षा लो, परीक्षा दे करके जो पास हुआ वो वही दूसरों की क्या लेता है, परीक्षा है। तुम कहो कि जो पढ़ा लिखा है नहीं और उससे आकर के वो तुम्हारी परीक्षा, जो पढ़ने लिखने वाला उससे परीक्षा दे, तीन काल में संभव नहीं है। यहां परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना क्या है, अनिवार्य है, अन्यथा, अन्यथा क्या होगा, उपहास का पात्र बनना बनेगा, वह हंसी उड़ाएंगे जी आए गए बिना पढ़े लिखे और हमसे क्या ले भी आ गए, परीक्षा लेने आ गए, उपहास का पात्र बनेगा। इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, कुंभ ने उसके साथ वो जब बजा रहा था तो कुंभ ने उसको सारी ये सारी बातें कह दी, तो अब
इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, अच्छी बड़ी विनम्रता से, क्या कहा, यह सच है कि तुमने अग्नि परीक्षा दी है। बात सत्य है कि तुमने क्या दी है, अग्नि परीक्षा दी है, परंतु अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वह कहां तक सही है, कितने नंबर, कितनी जो तुमने दी है। जैसे एक विद्यार्थी है, पढ़ता है और पेपर देख करके आया, और पेपर देख करके आए तो परीक्षा परिणाम सामने आते, तो उसने कहा तुम कितने सफल हुए और कितने असफल हुए। आज हम क्या देखते हैं, इसको इतने नंबर मिल गए, आज तक कोई ये नहीं कहता, कोई ने कहा इसको 60 नंबर मिले तो ये कोई ये क्यों नहीं कहते, ये 40 नंबर में फेल हो गया, ये 40 नंबर से फेल नहीं। आदमी क्या कहता है, हम तो 60 नंबर लेकर के पास हो गए। कोई तुमसे कहे है 40 नंबर में फेल नहीं हुआ, जिनका 40 नंबर में फेल हुई लेकिन 60 नंबर में तो पास हो गए। हाँ, पास सपास तू हुए हो, कितने सफल हुए हो, कितने असफल हुए हो, ये बताती है परीक्षा। और वही परीक्षा है तो वह है कि तो अग्नि में जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वो कहां तक सही, यह निर्णय तुम्हारी की परीक्षा के बिना संभव नहीं है। यानी मतलब तुम्हें निमित्त बनकर अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं, बनाकर, ऐसा होना चाहिए, तुम्हें निमित्त बनाकर अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं कि इसने कितनी परीक्षा दी है, मटका वो कुंभ जो है उसको देख करके और उसकी परिपक्वता को देख करके, अग्नि की परिपक्वता का परिचय हो रहा है, अग्नि का परीक्षण किया जा रहा है, और ऐसा परीक्षण करते हुए बता रहा है कि तुम्हें अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं। दूसरी बात यह है, और सुनो, यह है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूं। आप में सोचना कि मैं अपने स्वामी का अकेला सेवक हूं, नहीं, वरन क्या हो, जीवन सहायक कुछ वस्तुओं का स्वामी हो, सेवन करता भी हो। अकेले आप ये मत सोचिए कि मात्र मैं उनका अकेले एक नौकर हूं या सेवक हूं, नहीं, मैं भी उस जीवन में सहायक कुछ वस्तुओं का, उनकी जीवन में जो सहायक है उन वस्तुओं का क्या हूं, एक स्वामी हूं, सेवक हूं, और उन वस्तुओं का सेवन करता भी हूं। वस्तुओं के व्यवसाय लेन देन मात्र से उसका सही सही परख नहीं होती, किसी वस्तु को इधर लिया और उधर दिया, लेन देन मात्र करने से उसकी सही परीक्षा नहीं होती। अर्थोन्मुखी दृष्टि से जब भी ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल, वस्तु की उपयोगिता, वह उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण में, कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। कोई भी वस्तु हो, किसी के बारे में सही सही आपने अच्छे से परख किया, जान लिया जैसा मैं चाह रहा था वैसा ही है। एक दुकानदार के पास ग्राहक आता है। अब आप देखिए, दो व्यक्तियों का एक साथ, एक की अर्थोन्मुखी दृष्टि है ना, और एक की दृष्टि क्या है, जो वस्तु उसे चाहिए वो परख रही दृष्टि है, वो देख रहा है कि मैंने जैसा सोचा है वैसी वस्तु है कि नहीं। ये दृष्टि है उसकी, और दूसरे की दृष्टि क्या है, अर्थोन्मुखी दृष्टि है, वो सोचता है कि चलो भाई इसकी दृष्टि में हमारी वस्तु अच्छी क्या हो जाए, सही सिद्ध हो जाए तो हमारी दुकानदारी अच्छी चल जाएगी।
एक ही अर्थोन सही सही परख नहीं होती। अर्थोन मुखी दृष्टि होने से कभी कभार बाहर की दृष्टि, वो दुकानदार तो सोचता थोड़ी खोट तैर लिया तो जाए, निकल जाए, हमारा काम हो जाएगा, बहुत दिन से रुकी पड़ी हुई है, इस आदमी को कैसी भी बातों में लगा करके ये वस्तु क्या करना है, छिपाना है, देना है। अर्थोन्मुखी दृष्टि तो सही सही परख नहीं होती। अर्थोन्मुखी दृष्टि से जब कि ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल वस्तु की उपयोगिता है, वो ग्राहक उसको देख रहा है बड़े अच्छे से, और देखना भी चाहिए। एक बार बहुत अच्छा प्रसंग आया, बताइए बताओ। आचार्य जी पूछते हैं, गुरु शिष्य की खोज करता है कि शिष्य गुरु की खोज करता है, बताओ। एक बहुत बढ़िया कि शिष्य गुरु की खोज करता है कि गुरु शिष्य की खोज करता है। अब आप कहोगे महाराज ये तो आचार्य भगवान की इस बात पर तो बड़ा प्रसंग है, तो आचार्य जी कहते नहीं, सबसे ज्यादा जैसे आप बाजार में जाते हो है ना, एक ग्राहक बन करके गए हो आप, कितनी दुकानें खोजते हो, एक दुकान पे सीधे जाके चले जाते हैं। हाँ ये बात अलग है कि कोई पहले से परिचय हो गया कि भाई ये दुकान विश्वसनीय है, यहाँ पे अपनी अपनी जैसी चीज है वैसी मिल जाए, लेकिन अगर आप पहली बार कहीं नए बाजार में गए हो, नए बाजार में जाने के बाद आप कितनी दुकानें खोजते हो, बहुत सारी दुकानें भैया इधर भी देख लो, और मान लो कभी कभार ऐसी है कि वो दुकान पे मिल गई, एक काम करो तो वो और दूसरी ये क्या दुकान और हो सकता है इसे और अच्छी मिल जाए, वहां गया चलो एक बार अभी देख तो नहीं, यहाँ तो देख ही नहीं, और दूसरी दुकान पे देख लो, कितना परीक्षण करता है, बहुत सारा परीक्षण होता है। इसलिए आचार्य जी कहते हैं शिष्य ज्यादा गुरु की परीक्षा लेता है, गुरु तो ये कई बार परीक्षा लेगा लेकिन शिष्य तो कई बार परीक्षण करता रहता है, नापता रहता है, देखता रहता है। अर्थात ये हुआ गुरु सबसे ज्यादा परीक्षा देते हैं, लेने वाले बहुत सारे होते हैं, इतना है, पर इतना है जो खड़ा हो उसकी कितनी बार परीक्षा हो जाए उसको कोई किसी प्रकार का डर, कहता है सोलह वाली को सोने को कितने भी कसौटी में कसो, जितनी बार कसो उतनी बार, कहता है भैया सोलह वाणी यानी सौ टंच है, मतलब सौ टंच है। ऐसे ही आचार्य भगवान भी कहते कोई कितना भी हो, गुरु जो होते हैं वे तो सोलह वाणी के सोने हैं, कितना भी परीक्षा ले ओ, कुछ भी करो, चाहे नीचे से चाहे ऊपर से चाहे भीतर से कहीं से भी लो, सोने को कहीं से भी देखो, सब जगह से कहेगा सोलह वाणी अर्थात सोलह वाणी सो टंच, ऐसा ही है। तो बस हमेशा टंच, हमेशा चोखा, ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो आज वही बात है कि परीक्षा कैसी भी हो कैसी हो तो ऐसा ही, तो बात क्या हुई सबसे ज्यादा कौन परीक्षा करता है बताओ, गुरु करते के शिष्य करता है, वही समर्पण की बात है, करना भी चाहिए। एक और किसी ने कहा था, देखिए अपने माथे को, आचार्य जी का एक कहते व्यक्ति को श्रद्धान करने के पहले जब भी अपन किसी पर श्रद्धान करते हैं, अपना समर्पण करते हैं, और अपना ये माथा कोई नरियल नहीं है कि जहां चाहे उठाओ और पटक दो, है ना, माथे के मूल्य समझने की कोशिश करिए, ये आपका माथा बहुत कीमती है, बहुमूल्य है, हर जगह इसको झुकाने के पहले उसका समर्पण, उसका अर्पण, वहां के भाव, वहां की वह गुणवत्ता को देख करके ही अपना समर्पण करना चाहिए।
इसलिए अपने यहाँ सबसे पहले श्रावक को सबसे पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी आस्था हो, वही पहले आस्था होने के पहले उसको पहचान तो कर लो कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप है क्या, सच्चे देव का स्वरूप कैसा है, गुरु का स्वरूप कहाँ है। मात्र बाहर के रूप से गुरु पना नहीं देखा जाता, अरे बहुत बड़े हैं अच्छे लगते हैं, बाहर के रूप से नहीं, गुरुता व्यक्ति के गुणों से देखी जाती है, बाहर के रूपों से नहीं। अगर आपके पास गुणग्राही वाली दृष्टि है तो बाहर से रूप कितना भी खराब क्यों ना हो, कुरूपता भी हो, पर गुणग्राही दृष्टि वाले व्यक्ति जहां भी गुण मिलता है वहां जाकर के वो अपना माथा झुकाता है। इसलिए गुण ग्रहण के भाव रहे पर दृष्टि न दोषो, ये जो मेरी भावना की जो पंक्ति है, गुण ग्रहण के भावना की दृष्टि ज्ञानी की होती है, कहीं पर भी जाए वहां गुण ग्रहण की भावना अगर उसके मन में है वो तो वहां जाकर के अपने आप को झुका लेता है। वही सो यहाँ पर ये जो भोक्ता का भोक्ता पुरुष को यही मूल्यवान वस्तु की उपयोगिता है, वही उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रवण कराती है। जैसे ही उसको अपने मतलब की बात सी मिलती है, मान लो गुरु महाराज ने कोई सूत्र दिया, उस समय वो अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि वास्तविक सत्यता तो यथार्थ तो यही सुख का सही मार्ग है, यही सुख का सही कारण है, सुख का उपभोग रमन कराती है। सो यह ग्राहक बन करके आया है और कुंभ को हाथ में लेकर 7 बार बजाता है सेवक, एक बार नहीं कितनी बार बजा रहा है, 7 बार बजा रहा है सेवक। प्रथम बार कुंभ से सा, बहुत अच्छा, देखिए आप पूरा संगीत आचार्य सिंह उतार रहे हैं, पहली बार बजाया सा उभर करके ऊपर आया, फिर क्रमशः लगाता रे गा मा पा धा नी, पूरे 7 सुर आ गए, सा रे गा मा पा धा नी, निकल कर निराग नियति का उद्घाटन किया, निराग कोई राग नहीं जिनके, ऐसी नियति का उद्घाटन किया। अविनश्वर स्वर सम, जो अविनश्वर है जिनका कब नाश नहीं होता है, अपने आगम में लिखा है शब्दो वर्ण समामना है, शब्द को कभी भी विनाशी ऐसा जो होता है अविनाशी रूप में कहा जाता है उसको, ऐसा तो अविनश्वर सम सम स्वर सम उसको कहा। कुल मिलाकर भाव यह निकला, देखिए आप बहुत अच्छे से समझना, ये सारे शब्द क्या कह रहे हैं, सारे गामा यानी इसका अर्थ क्या हुआ, सभी, सारे यानी सभी, गम यानी दुख, आचार्य सिंह ने उसमें लिखा है सारे सब प्रकार के दुख पाधा यानी पद, पास यानी पद, स्वभाव या नी यानी नहीं, नी यानी नहीं, अर्थात क्या हुआ, दुख आत्मा का स्वभाव, दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता, दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता, यानी मोह कर्म से प्रभावित आत्मा का विभाव परिणाम मात्र है वह। ये दुख जितना भी है संसार में, कोई दुखी अपने आप को कहता है भगवान मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं संसार के इस मोह माया से, यही है कर्म, यही है विभाव, पर ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये तो संसार की मोह माया का, मोह कर्म के प्रभाव आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक परिणाम कथनचित पराये हैं,
जितने भी ये नैमित्तिक है जो आपको दिख रहे हैं, ये परिणाम सारे के सारे कितना अध्यात्म का सार भर दिया इसमें एक मटके की आवाज में से। यहाँ पूरा समय सार का सार दिखा रहा है उन शब्दों में कि आत्मा का स्वभाव ये संसार का दुख, ये आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं है। बस सारे गामा पाधा, यानी सारे गम, गा और मा को बुलाते क्या गम, सारे गम यानी दुख, पाधा यानी पाद यानी पाद, पद यानी स्वभाव, नी यानी नहीं है। ये इतना सारा यानी दुख आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता। ये क्या है, मूल कर्म से प्रभात आत्मा का विभाव परिणमन मात्र है वह। ये तो मोहिनी कर्म के प्रभावित आत्मा का विभाव रूप परिणमन ही है और कुछ भी नहीं है। नैमित्तिक परिणाम कथंचित पराये है, जितने भी ये निमित्त के संयोग हैं, जितने भी हैं पढ़ाए हैं, इन सप्त स्वरों का भाव समझना ही सही संगीत में खोना है। आज आपको अपनी आत्मा का अपने आप का संगीत सोचना हो तो यही सात स्वरों के संगीत को समझ लो, जीवन समझ में आ जाएगा। सही संगी को पाना है, सही संगीत में खोना है और सही संगी को पाना है। ऐसी अद्भुत शक्ति कुंभ में कहां से आई, यूं सोचते सेवक को उत्तर मिलता है कुंभ की ओर से। उसको उत्तर मिल गया सेवक को किसकी ओर से, कुंभ की ओर से, कि यह सब शिल्पी का शिल्प है, मेरा कुछ भी ये मेरा नहीं, मैं जो बनाऊं ये सारी की सारी कृपा किसकी है। मुझे आज ऐसा बनाया है, ऐसी आवाज देने वाला है, तो मैं तो शिल्प हूं मात्र, शिल्पी तो वो सामने बैठा है। वैसे ही गुरु जो होते हैं शिल्पी की तरह होते हैं, शिष्य तो उनकी एक उपकार की कल्पना एक शिल्प होते हैं। ऐसी यह सब शिल्पी का शिल्प है, अनल्प श्रम दृढ़ संकल्प सब साधना संस्कार का फल। और सुनो, ये जो मेरा शरीर घन श्याम काला, मटका का रंग कैसा है, काला है ना, यह जो मेरा शरीर घन श्याम यानी सा श्याम पड़ गया है, सास श्याम पड़ गया है, सो जला नहीं, ये मत सोच लेन कि मैं जल करके आया हूं, नहीं मैं जला नहीं हूं, मैं जला हूं। जिस भांति वाद्य कला कुशल शिल्पी मृदंग मुख पर स्याही लगाता है, मृदंग होता है ना, एक तरफ देखना, एक तरफ कैसा होता है एकदम प्लेन होता है, और एक तरफ क्या लगाता है, एक रार वगैरह कुछ ऐसा लगाता है जिससे उसकी आवाज दूर, एक जगह से स्वर पतला निकलता है जहां पर स्याही नहीं लगी, एक तरफ थोड़ा सा मोटा सुर रहता है जहां पर उसको लगाया जाता है। तो मृदंग में उनका मृदंग मुख पर स्याही लगाता है, उसी भांति शिल्पी ने मेरे अंग अंग पर स्याही लगा दी है, जो भांति भांति के बोल ये कुंभ खोल देते हैं, प्रकृति और पुरुष के वेद, हाथ की गदिया मध्यमा संघर्ष स्पर्श कर। ये अब जब वो बजाने वाला मृदंग बजाता है तो हाथ की गदिया कभी बीच में घुमक लगाता है तो गदिया भी लगाता है, मध्यमा इन अंगुलियों की थाप भी देता है, तो इन दोनों के माध्यम से वह वाद्य कला में जो कुशल शिल्पी होता है, जो मृदंग बजाने वाला है, ढोलक बजाने वाला है, कुशल शिल्पी होता है, वो मृदंग की मुख पर लगी हुई स्याही को उसको भांति भांति से जो हो वहां पर और मेरे अंग अंग पर स्याही लगा दी है, वैसे ही शिल्पी ने मेरे लिए भी अच्छा क्या बना दिया है, स्याही लगा करके।
ऐसा बना दिया है, जो भांति भांति के बोल, तरह तरह के बोल खोल देते हैं। प्रकृति और पुरुष के भेद है, प्रकृति अर्थात स्वभाव, पुरुष अर्थात जो आप सब हो, बोलचाल ऐसे प्रकार के। प्रकृति और पुरुष के भेद, हाथ की गदिया और मध्यमा का संघर्ष, कभी बजाने वाला इन दो से ही बजाता है, या तो उंगली से बजाता है या फिर गदिया, ये अपनी गदिया इन दोनों से बजाता है। संघर्ष स्पर्श पाकर नए नए स्वर को उत्पन्न देता है, कैसे, ता दिन धा दिन धा, ऐसा। अब उसको जो बच्चा है उसको देखना, धा दिन धा अर्थात वेतन भिन्न चेतन भिन्न, ये वस्ते समय आचार्य जी ने कहा, गौर से सुनो अच्छे। तो वो कहता है ये शरीर ये स्वभाव तेरा कैसा है, बोले वेतन भिन्न चेतन भिन्न। देखिए मृदंग की आवाज से तुम्हें अध्यात्म के सुर सुनाई दे रहे हैं, ऐसा अच्छे से चिंतन करो। बोले कि दा धा धिन धा धिन धा अर्थात वेतन भिन्ना चेतन भिन्ना। अब आगे के शब्द सुनो, ता तिन तिन ता तिन तिन ता, तो अब क्या बोल रहा है, का तन चिंता, क्या है देखो, कातन चिंता, कातन चिंता, घूम घूम यू अच्छे से जा करके दा। अब जब अपन घूम गाता गाता ना तो ये अंगुली से बजाता है, तब ये सुर निकलते हैं, धा दिन है ना, धा दिन धा ऐसा। और जब ये मध्यमादि से करता है तो और क्या करता है, ऐसा तातिन पतली आवाज जब होती है और के सुरीली आवाज निकालना पड़ता है, तो उसको बीच में जब घूम देता है, किससे चलता है इसे, अपनी हथेली से गदिया से बीच में घूम भी देता चला जाता है, तो उस समय निकलता है ऐसा घूम घूम यो, ऐसे ये बड़े बड़े स्वर तो क्या है, कितना है, का तन चिंता, ये तन की चिंता क्या करना, ये बजाते बजाते तुम्हें कभी ढोलक को बजाते तुम तो तन्मय तो हो जाते हो, पर वो भी तुझसे कुछ अच्छी, इसके अलावा सब इसी का समावेश है उसमें, ऐसा ही ताधिन काधन कातन चिंता, कातन चिंता, घूम घूम यू ऐसा वह घूम घूम अच्छा करता हुआ ग्राहक के रूप में आया सेवक, चमत्कृत हुआ हुआ है। जब उसने सुना उसकी बात मटके की आवाज से, कुंभ की उस बात को सुनता, तो ग्राहक के रूप में आया सेवक चमत्कृत हुआ हुआ है, मन मंत्र मंत्रित हुआ उसका, तन तंत्रित हुआ स्तंभित हुआ कुंभ की आकृति पर हुआ, और शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर, ऐसे वो शिल्पी के शिल्पन चमत्कार को क्या रचना बनाई है, अद्भुत है। ऐसे उस तंत्रित हो जाता है स्तंभित हो जाता है कुंभ की आकृति पर और शिल्पी के शिल्पन चमत्कार पर, यदि मिलन हो चेतन चित चमत्कार का, अगर मिलन हो चेतन चित चमत्कार का, फिर कहना ही क्या, चित की चिंता चीतकार, चित की चिंता चीतकार चंद पलों में चौपट हो जाती है। जब आदमी यहां पर चेतन से या चित चमत्कार का, फिर कहना ही क्या, और जिसकी चित की चिंता यानी आत्मा की चिंता है, तो उसकी चीतकार उसके अंदर की वेदना, एक बाहर तुम आत्मा की चिंता करके तो देखो, बाहर की चिंताएं अपने आप दूर हो जाती है। जिन्हें अपनी आप की चिंता हो आत्मा की चिंता हो, तो लिखा है अपने आप कितने प्रकार की चिंता, देखो चार प्रकार की चिंताएं संसार में,
कौन के पास? तो लिखा परमानंद स्त्रोत पढ़ना, उसमें लिखी है उत्तमा आत्म चिंता साथ। उत्तम किसकी चिंता है? आत्मा की चिंता करना। देह चिंता च मध्यमा, देह की चिंता करना ये मध्यमा। अधमा काम चिंता साथ, अधमा यानी काम की चिंता, जो करना ये करना वो करना ये करना, ये किसकी चिंता है? अधम कहा। फिर चौथी चिंता पर चिंता च धमा धमा, दूसरों की चिंता करना अधम से भी महा अधम है। अब अपन किसकी चिंता में लगे बताओ? चार प्रकार की चिंता हो गई आपके सामने। आत्मा की चिंता कर रहे हो, देह की चिंता कर रहे हो। महाराज ना आत्मा की चिंता है ना देह की पता नहीं चलता, पर की चिंता, काम की चिंता और दूसरों की चिंता, बस जो करना है वे करना है, उसमें ना शरीर देख रहे हैं ना आत्मा को देख रहे हैं। चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता। लेकिन जिन्हें अपने चेतन की चिंता होती है वे कभी दूसरों की चिंता नहीं करते, अपने चित्त में निरंतर उस चिंता वही है चेतन चित्त चमत्कार का फिर कहना ही क्या। अर्थात चित्त की चिंता चीतकार, जो आदमी की जो वेदना है पीड़ा है चंद्रपलों में चौपट हो जाती है। जिन्हें आत्मा की चिंता हो उन्हें बाहर की चिंता से अपने आप उनकी चिंता दूर चंद्रपलों में चौपट हो जाती है। कहीं बाहर नहीं, कहीं बाहर नहीं, कहा जैसे उदाहरण दिया सरोवर की लहर सरोवर में ही समाती है, जहां उत्पन्न हुई वहीं पर समा जाती है, कहीं दूसरों पर थोपी नहीं जाती। जहां उत्पन्न हुई है वैसे ही चिंता अपने मन में ही होती है, और चिंता को दूर करने का प्रयास भी आपके मन में ही, आत्मा भी चिंता का कारण है। तो चिंता का निराकरण समाधान अगर होगा तो उसी आत्मा के ही पास ही होगा। ऐसे बहुत अच्छा आज का ये प्रसंग, अपन ने चिंता का विषय और मटके के शब्दों के सुरों में एक नया सुर आपको सामने आया है, आपके अपने जीवन के जुड़े हुए कि मटके की आवाज या उस घड़े के कुंभ की आवाज से बहुत सारा उपदेश उस ग्राहक के निमित्त सेवक के निमित्त उसने बजाया, तो उसने बजा करके तुम्हें भी अच्छे से बजा दिया। कि सोचिए, आप भी विचार करिए कि तुम इन आवाजों में क्या सोच रहे हो, क्या सोच करके आए हो। ऐसा चिंतन करने वाला कुंभ का परीक्षण हुआ। अब कुंभ का परीक्षण के बाद आगे अभी सेठ जी के घर तक पहुंचने वाला है, अब आगे उसका क्या होगा, अतिथि संविभाग की क्रिया इसकी तैयारी चल रही है। आज इतना ही, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। महाराज जी हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति उपलब्ध यहाँ पर है, मैं चाहता हूँ उनको सिंपल बैठ करने बुलाऊं। बासोरा से पधारे हुए कुशवाहा जी हैं, आएंगे भाई साहब सिंपल बैठ करें महाराज जी के चरणों में। महाराज जी आपसे शायद ही जुड़े हुए हैं, पहले से आप परिचित हैं। मैं मंदिर में दर्शन कर रहा था, मैं इतना प्रभावित हो गया इनसे, मन नहीं लगा मंदिर में। ये बैग में चिल्लर भर के लाए थे महाराज जी, ऐसी मुट्ठियों से भर भर के गुल दान पेटी में डाल रहे थे। मैं देख के अचंभित रह गया कि ऐसा भी कोई दान दे सकता है। मैंने देखता रहा इनको, एक डेढ़ मिनट लग गए बैग खाली करने में, तो भैया एक श्रीफल। तो मैंने इनसे जब ये काम से निवृत्त हो गए, पूरी बैग इनका खाली हो गया, फिर मैंने इनसे जय जिनेन्द्र करी। मैंने कहा भैया कहाँ से पता रहे? कहने लगे भैया हम बासोदा से आए हैं। हमने कहा यार भैया बासोदा से आए, आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दे दो यार हमको कि आप इस तरीके से
चिल्लर डाल रहे हो पेटी में। बोले भैया मैं अजैन हूँ। मैंने कहा मैं आपको देख के समझ गया कि आप जैनेतर हैं, लेकिन फिर भी परिचय मेरे मन में ये भाव थे कि मैं आपको एक बार परिचय ले लूं। ये भैया महेश चाचा जी सूटकेस की दुकान में काम करते हैं, वहां रह के इन्होंने सिर्फ शास्त्र वगैरह कुछ जिनवाणी का वाचन किया पढ़ा है, उससे ये सीख गए हैं, रोज कुछ ना कुछ दान निकालते हैं, रात्रि भोजन का त्याग है इनका, 22 प्रकार के भक्ष का त्याग है इनका, मतलब अजैन होकर भी ये जैनों की पूरी दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, इतने जुड़े हुए हैं। इन्होंने बोला यार भैया हमें एक श्रीफल दे दो, हमें दर्शन करना है। हमने इनको एक श्रीफल दिया, जिनने पैसा निकाल लगे लगे पैसा, हमने कि भैया पैसे नहीं चाहिए, कर लगे नहीं नहीं मंदिर का श्रीफल है, हम कैसे ले लेंगे, अभी दोष लगेगा। मतलब इतना विवेक है मचा चाहिए महाराज जी, देखिए आप अभी जैनों में भी इतना विवेक नहीं मिलेगा। मैंने कहा भैया आप निश्चिंत रहो, ये बोरा हमारे घर का ही है, हमने अपने बोरे में से निकाल के दिया है आपको श्रीफल, दोष नहीं लगेगा। बोले आप ही ले लो पैसा, हमने नहीं नहीं फिर तुम गुल्लक में डाल दी, एक श्रीफल दिया उसके पैसे इन्होंने, मतलब इतना ज्ञान विवेक यदि है तो आप देखिए। देखो धर्म की बात को जितने अपन उतना ही उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जी जी जी। इसमें हम किसी जाति संप्रदाय के नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो आचार्य जी से प्रभावित होकर के और कई लोगों ने अपना आत्मा कल्याण किया है। कल्याण करने के लिए तो मात्र भावनाओं का सहयोग चाहिए। जी जी। और वो बहुत अच्छा पाया, प्रेरणास्मत ऐसी प्रेरणा हमें लेना चाहिए, बहुत अच्छा। आई, 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 मैं चाहूंगा हमारे बीच में कुछ लोग जाएं और उनका सम्मान करेंगे, तिलक लगा के कम से कम सम्मान करें, और अंग वस्त्र तो वो भी नहीं। तब तक बुद्धि समाधि विकास देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानु शिव खानी है, चौंद्र बेजान देखो, वंदे वि दीवान देखो, सफर पिछान देखो, परम प्रमाणी है, अनुभव ताय देखो, जीवों के जताए देखो, कामना सताए देखो, भव्य और आनी है, जहां तहां तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जिन्हें वाणी है, जवानी के ज्ञान दे सुझे लो कालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु हो दो, हे जिनवाणी भारती तो इज हो दिन है, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन।